सब्सक्राइब करें इंजीनियर्स किचन चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट रेसिपी सबसे पहले देखने के लिए। इंजीनियर्स किचन में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं पनीर काली मिर्च। इसके लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होगी हमें, लौंग, इलायची, दालचीनी, काली मिर्च, तेज पत्ता, धनिया पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर, हल्दी, नमक, फ्रेश क्रीम, काजू का पेस्ट, प्याज, टमाटर, पनीर। गैस ऑन कर लें और पैन चढ़ा लें। इसमें थोड़ा सा तेल डाल लें। तेल को गर्म होने दें। इसमें जितने सूखे मसाले थे वो डाल लें। अब इसमें प्याज डाल लें। प्याज को थोड़ा सा भून लें। इसे हमें थोड़ा सा भूनना है। अब इसमें टमाटर डाल लें। टमाटर को भी हमें ज़्यादा नहीं भूनना है क्योंकि अभी हमें इसे पेस्ट बनाना है, तो इसे हल्का सा भून लें और जो हमारा टमाटर है वो भी हल्का सा पक चुका है। अब इसका पेस्ट बना लेते हैं, तो इसे एक जार में निकाल लें। अब हमें इसका पेस्ट बनाना है। इसमें थोड़ा सा पानी डाल लें। और ये देखिए हमारा पेस्ट जो है वो तैयार हो चुका है। इसे हमें डायरेक्टली नहीं डालना है, इसे हमें पहले छान लेना है ताकि जो एक्स्ट्रा जो पार्टिकल्स बचे हुए हैं जो अच्छे से नहीं मिल पाए वो रह जाएं, क्योंकि हमारा जो ग्रेवी बनेगा वो बहुत स्मूथ ग्रेवी बनेगा। जैसे कि देख सकते हैं ये इस तरह यहाँ पे बच गया है, तो एक बार हम लोग फिर से इसे ग्राइंड कर लेंगे और ये हमारा जो पेस्ट है वो तैयार हो चुका है। गैस ऑन कर लें और उसी पैन में थोड़ा सा तेल और ले लें। इसमें एक चम्मच काली मिर्च डालें। जो काली मिर्च है उसे थोड़ा सा पकने दें। इसके बाद इसमें काजू का पेस्ट डाल लें। जो काजू का पेस्ट है हमारा थोड़ा भून ले उसे। अब जो पेस्ट हमने बनाया था वो डाल लें इसमें। अब इसमें थोड़ा सा हल्दी डाल लें, थोड़ा सा लाल मिर्च डाल लें, धनिया पाउडर डाल लें, और स्वाद अनुसार नमक डाल लें।
से मिला लें अच्छे से। अब जो फ्रेश क्रीम लिया था हमने वो इसमें डाल लें। मिला लें अच्छे से। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल लें ग्रेवी के लिए। अब इसमें उबाल आने दें। जैसा कि देख सकते हैं कि ग्रेवी में उबाल आ चुका है, तो इसमें पनीर डाल लें। और लास्ट में इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल लें। और इसे पनीर के साथ 2 से 3 मिनट तक पकने दें। अब इसमें कसूरी मेथी डाल लें। कसूरी मेथी को मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिया है और इसे मिला लें अच्छे से। अब और अब हमारा पनीर काली मिर्च तैयार हो गया है। इसे अब गर्मा गर्म सर्व करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।